मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल के कुटलैहड़ और कुल्लू में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे, साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी सरकार ने 10 सालों में किया, कांग्रेस उसे 7 सालों में भी नहीं कर पाई। एक एक रोड, एक एक ब्रिज बनने से दो दो तीन तीन घंटे का फर्क पड़ता है, और इसलिए बहनों और भाइयों बड़े प्रमाण पर टूरिस्ट आ रहे हैं। हम एक ऐसे ऐसे नए नए रोड बना रहे, हिमाचल प्रदेश में टनल बना रहे, 20,000 करोड़ की टनल बना रहे। आपको पता होगा कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अभी अटल टनल बनी है, हम केवल 8 मिनट में चले जाते हैं। वहां से निकलने के बाद लद्दाख लेह तक हम 8 टनल बना रहे हैं। लद्दाख लेह के बाद आगे हमने झोजिला टनल, जो आशिया की सबसे बड़ी टनल है, जिसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी, वो केवल हमने 5,500 करोड़ में उसका काम दिया, पैसा बचाया, वो भी टनल का काम अब पूरा होते हुए आया है। इस देश की तकदीर को बदलना है, ये देश के भविष्य को बदलना है, हमारी मातृभूमि को, हमारे हिंदुस्तान को दुनिया का विश्व गुरु बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, और ये बनाने के लिए ईमानदारी से सही नीतियों के साथ काम करने वाली सरकार चाहिए। अगर आप मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार हमारी सरकार लाओगे तो आपका ये सपना हम पूरा करके दिखाएंगे, इस विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूं, और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि मेरे सहयोगी अनुराग जी, जिनका यहाँ के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, वो लोकसभा में खड़े हैं और विधानसभा में आपके लोकप्रिय देवेंद्र जी खड़े हैं, ये दोनों की कमल के फूल की बटन दबाइए, इनको विजयी बनाइए और हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के हमारे संकल्प को सहयोग करिए। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करिए, और इसीलिए आप देवेंद्र जी को भी आशीर्वाद दीजिए, अनुराग जी को भी आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, यही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। ये चुनाव कोई कंगना जी का, भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का भविष्य और भवितव्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव सही अर्थ में आप सबके भविष्य का और भवितव्य का निर्णय करने वाला चुनाव है। आपको पता होगा कि 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। हमारा देश 75 साल पूरे कर रहा है, और इस 75 साल के इतिहास में 7 साल शासन करने का अवसर कांग्रेस पार्टी को मिला। 7 साल तक कांग्रेस पार्टी को मौका देने के बाद में भी क्या गरीबी हटी, क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला, क्या गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हुआ, क्या गांव में जाने के लिए रोड बने, क्या गांव की जनता को शुद्ध और स्वच्छ जल मिला, क्या गांव के जवान युवाओं के हाथों को काम मिला, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यही है कि जो सपने दिखाए थे वो सपने ही रह गए। कि 47 के बाद हिमाचल कहां था और कहां है? 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। मैं बाकी चीजों की बात नहीं करता, मेरे ही डिपार्टमेंट की बात करता हूं। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में जितना काम हमने किया,
उतना काम कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में नहीं किया, वो 10 साल में हमने कर दिया।